आप सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने माइक और कैमरा को ऑफ कर दीजिए, सो सेशन के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। एंड प्लीज हो सके तो सेशन को बीच में से ना छोड़े, हम लास्ट में ग्रुप फोटो भी लेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में टाइप करें, हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आपको एक फीडबैक फॉर्म भी फिलअप करना है, उसके लिंक हम थोड़ी ही देर में चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और अगर आपको फ्यूचर की कोई भी इवेंट्स के बारे में जानना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ शॉर्ट प्रेयर। हम जब भी कभी अच्छा काम करने जाते हैं तो हम गॉड को प्रे करते हैं, तो आज भी हम वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले प्रेयर कर लेंगे। प्लीज मैम प्ले द प्रेयर। चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अगेन हार्टली वेलकम टू आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ दिस वेबिनार मिस रचना दलाल, ऑल द पार्टिसिपेट्स एंड ऑल्सो वेलकम टू आवर फाउंडर एंड ट्रस्टी ऑफ ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर निहल साहब। आज रचना मैम आपको फूड डाइट और उसकी इफेक्ट PCOD पे क्या है उसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। आई होप आज आप सभी लोगों को इस वेबिनार से डाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विदाउट टेकिंग मेडिसिन। तो अब मैं डॉक्टर निहल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे और उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए। प्लीज मैम। थैंक यू भूमि। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू इन अवर स्मॉल ग्रुप। ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत ही छोटा सा NGO है जो अभी अपने बचपन में खेल रहा है, बिकॉज इसका इंसेप्शन सितंबर 2020 में ही हुआ है, तो अभी ये कुछ ही महीनों का है। उसको हम धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं और ये छोटे मोटे ऐसे इम्पॉर्टेंट वेबिनार्स करके हम आशा रखते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएं। हमारे कोर एरियाज महिलाओं को लेकर हैं, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च, इन सभी एरिया में महिलाओं का प्रदान बढ़े, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन रिलेटेड भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी हम आगे काम करना चाहते हैं। आपको कुछ एक पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो हम ये कोविड के दौरान हमने कुछ महीनों में किए हैं। तो हमने ऐसे ही एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा वलादरा का छोटा सा वेबिनार रखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे। हमने 8 मई को रेड क्रॉस सूरत डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के साथ कोलैबोरेट करके साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे इस तरीका का एक वेबिनार रखा था। उसके पहले न्यूट्रिशनिस्ट हेतल मैडम के साथ भी एक्सपर्ट टॉक हुई है। हम इंस्टाग्राम पे भी कई बार लाइव सेशंस करते हैं, तो उसके ऊपर भी कभी कभी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास्ट एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हम अभी इंटर्नशिप्स
शुरू किए हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे यूथ हैं उनको रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और हम बहनों और महिलाओं के रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं या उनके रिलेटेड जो भी सामाजिक प्रश्न हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च प्रेजेंट करें, जिससे कि साइंस और सोसाइटी को एक अप्रोप्रिएट साइंटिफिक बैकग्राउंड मिले और उसके ऊपर से आगे फिर इंटेंस रिसर्च किया जाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था जिसका एनालिसिस अभी चल रहा है। तो हमने प्री और पोस्ट कोविड-19 की प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे क्या इफेक्ट है उसका सर्वे अभी कंप्लीट कर लिया है और उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। हम रिलैक्सेशन सेशन भी ले रहे हैं और ये जो रिलैक्सेशन सेशन हम ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें अगर आप में से किसी को भी नो ज्वाइन होने की इच्छा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। ये सेशन हम कोविड की वजह से हमने सबके लिए ओपन रखा है, इसमें सिर्फ महिलाएं ऐसा नहीं है, कोई भी एज ग्रुप और कोई भी जेंडर के लोग आ सकते हैं। ये हफ्ते में हम 3 बार करते हैं, मंडे वेनसडे और फ्राइडे रात को आधा घंटा हम गाइडेड रिलैक्सेशन सब लोगों को करवाते हैं और उसी के अंतर्गत काफ़ी सारे मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स महीने में 1-2 बार किए जाते हैं। जैसे अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है तो हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन अलग सा नया मेडिटेशन लोगों को सिखाएंगे। तो ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके साथ में हमारी छोटी मोटी जो टीम है, हम कुल एक मिला के 5-4-5 गर्ल्स हैं जो ये काम शुरू किया है। तो हम लोग अपना भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो छोटा सा स्टाफ है वो भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आए दिन जाते हैं सो दैट उनकी इम्प्रूवमेंट हो तो हम अच्छे से सोसाइटी को प्रदान कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में खुशबू ने बता दिया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैं इतना ही कहूंगी कि 28 मई को हम मेंस्ट्रुअल वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आता है तो उसके लिए हम इस बार पर्टिकुलरली टारगेट ग्रुप भाइयों को रख रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहनों के प्रश्न, महिलाओं के प्रश्न अगर सॉल्व करने हैं तो सिर्फ महिलाओं के योगदान से नहीं होगा, उसमें भाइयों का भी उतना ही प्रदान होना बहुत जरूरी है। तो उस दिन हमने पर्टिकुलरली वेबिनार रखा हुआ है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, सेक्स थेरेपिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, जो जो हमारे साथ जो मेन महिलाओं के साथ जो भाई होंगे वो अगर ज्वाइन होते हैं तो उन्हें थोड़ी डिटेल्स बताई जाएंगी कि मेंसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या तकलीफें बहनों को होती है, हाइजीन क्या है। तो वो हमारा अपकमिंग प्रोग्राम है। 26 मई को हम बुद्ध पूर्णिमा के हिसाब से एक और प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक सिखाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको वहां से काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ज्यादा समय मैं मैडम का नहीं लूंगी क्योंकि हमने आज रचना मैडम को बुलाया है तो उन्हीं को सुनना ज्यादा योग्य रहेगा। तो चलिए रचना मैडम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सो भूमि, द फ्लोर इज फॉर यू। सो थैंक यू डॉक्टर निहाल मैम। अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस शानवी राजपूत से इज ए इंटर्न इन ऋतुजा, उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे गेस्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। प्लीज जानवी। यस ओके, कैन यू हियर मी? यस यस। या थैंक यू भूमि फॉर द इंट्रोडक्शन। सो आज गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्टली सबको मेरा नमस्कार। मैं आज सबको हमारे आज के स्पीकर श्रीमती रचना दलाल मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। उन्होंने अपना बैचलर्स फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डायटिक्स में किया है। सिंस ऑलमोस्ट 20 ईयर्स वो एज अ डायटिशियन वर्क कर रहे हैं। उनका खुद का क्लिनिक भी है जिसका नाम गुड हैबिट डाइट है, वो भटार में है। एंड उसके साथ साथ मैम एज अ कंसल्टेंट भी विजिट करते हैं इन मी एंड मम्मी हॉस्पिटल, अपोलो क्लिनिक एंड आयु वेलनेस सेंटर में। प्रेजेंटली मैम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी रन कर रहे हैं रिगार्डिंग गुड हैबिट डाइट इटसेल्फ। रचना मैम की बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें हैं, उनमें से एक है उनका पैशन। मैम इतने पैशनेट है अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन की वह अपने क्लाइंट्स को भी ऐसे ही गाइड करते हैं।
एंड द अदर इंस्पिरेशनल बात जो रचना मैम की है वो है कि मैम का गोल है इंडिया को कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से फ्री होते हुए देखना विथ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड शी स्ट्रांगली बिलीव्स कि ये पॉसिबल है. सो वेलकमिंग वन सच ग्रेट पर्सनालिटी टुडे श्रीमती रचना दलाल. मैम ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट आपको दिल से स्वागत करता है. वेलकम मैम. द सेशन इज नाउ ओपन फॉर यू रचना मैम एंड ओपन फॉर अस टू लर्न फ्रॉम यू. सो थैंक यू जानवी इतनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए मैम के बारे में. तो अब हम मैम को अब वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं और मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं. मैम प्लीज द सेशन इज ऑल योर्स. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहल ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ ये जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया बिकॉज आज कोविड में शायद हम भूल गए हैं कि बहुत सारी इतनी परेशानियां हमारे पास है जो पहले से कोविड से पहले से चली आ रही हैं और उसके बाद भी चलती रहेगी. कोविड तो शायद थोड़े समय के लिए आया चला जाएगा बट साथ में ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हमें सालों तक जूझ रहे थे और सालों तक जूझना है. तो थैंक यू डॉक्टर नेगेन खुशबू एंड मशबू में कि जिन्होंने इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और ये सेशंस आज सक्सेसफुल हो पाएगा. मैं बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं लूँगी क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारी क्वेरीज हैं क्वेश्चन हैं और बहुत हमें समझना है. तो आज मैंने ये जो PCOS का टॉपिक लिया है वो इसलिए लिया है कि एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है वो एक तो वुमन से बिलोंग करता है हमारी एक वुमन की लाइफस्टाइल में. सबसे पहले जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ओके पहली बार लड़की मेंसेस में आती है तब से लेके ये उसके साथ मुश्किल बढ़ाती जाती है. फिर आगे जाके उसके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकल्स उसके बाद इनफर्टिलिटी उसके बाद प्री मेनोपोज मेनोपोज हर एक स्टेज में ये कहीं ना कहीं हमें मुश्किलें बढ़ाती रहती हैं और लास्ट में बहुत सारे डेथ का कारण बनती हैं. तो आज हम इसे स्पेशली इसको कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उसके बारे में जानेंगे. ये PCOS जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वो एग्जैक्टली एक ऐसी कंडीशन है एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जहाँ पे बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वुमन को कोई एक साइन हो एक सिम्टम हो या एक भी ना हो. तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम PCOS के शिकार है और ये हमें अंदर से पूरे बॉडी को धीरे धीरे खा जाता है. तो आज हम ये इसके बारे में और अच्छे से इसलिए जानेंगे कि खाली मेडिसिन या खाली डाइट या खाली एक्सरसाइज या पर्टिकुलर कोई एक दो डाइट करके या खाली वेट रिडक्शन करके उसके सामने नहीं जा सकता. उसके सामने जीतना है तो हमें बहुत आगे जाके उसके डीप में जाके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और उसके साथ ही हम जीत पाएंगे PCOS को. तो ये एक्चुअल में PCOS क्या है जो मैंने बताया अभी ये जो मैंने अलग अलग साइन और सिम्टम्स है मैं आपको आगे जाके बताने ही वाली हूँ बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हम PCOS को ऐसा समझते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें नहीं है. क्यों नहीं है क्योंकि हमें एक दो साइन ही है जैसे कि हमें थोड़ा सा शुगर हाई आ रहा है या तो हमारे 3-4 महीने के लिए जो साइकिल्स है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो ये तो कॉमन है बट नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जल्द से जल्द एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए एक बार हमें अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए और आगे क्या है उसके बारे में जानना चाहिए. क्यों क्योंकि ऑलमोस्ट हर 10 में से 1 स्त्री को PCOS का प्रॉब्लम होता ही है. तो उसके साइंस क्या है उसके सिम्टम्स क्या है जानते हैं और उसके बारे में सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स जो मैंने बताया अभी कि एक दो महीना पीरियड्स आते हैं या तो नहीं आते हैं कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है कभी बहुत जल्द पीरियड्स आ जाते हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेट गेन वेट का बढ़ना या तो फिर हमारा वेट कम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद मुझे PCOS तो नहीं है. इनफर्टिलिटी बहुत सारे ऐसे वुमन्स हैं जिसके इरेगुलर पीरियड्स हैं जो शायद मुझे क्या है क्या नहीं पता नहीं चलता लेकिन जब शादी होती है तब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती तब जाके पता चलता है कि या तो एक प्रॉब्लम PCOS का है तब तक हम शायद उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं. दूसरा है फेशियल हेयर या एक हमारे जो फेस है उसके ऊपर छोटे
मोटे पिंपल्स आना या तो ऐसी जगह पे बाल आना जहाँ नहीं आने चाहिए थे। आप इसके बारे में एक्टोसिस के बारे में आप जो देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है जिसको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस तरह से आपका पूरा जो स्किन है वो थिक हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक रैशेस हो जाता है और स्पेशली डायबिटीज। हमेशा डायबिटीज के बारे में ऐसा होता है कि डायबिटीज उम्र के साथ आता है, लेकिन ये एक हॉर्मोनल डिसऑर्डर है। तो उसके साथ साथ यदि हमारा शरीर में इंसुलिन करके जो हॉर्मोन या अंतस्राव है वो अच्छे से रिलीज नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। या तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस या कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनना, क्योंकि वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से जो डायबिटीज आता है उसको PCOS इंड्यूस डायबिटीज बोल सकते हैं, और वो काफ़ी कॉमन है। यही डायबिटीज़ की वजह से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आगे जाके बढ़ते हैं। यदि प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसमें भी GDM मीन्स जेस्टेशनल डायबिटीज आने के चांसेस रहते हैं, और आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज भी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में शायद अभी तक नहीं जानते थे, या तो फिर हम जानते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाते थे। तो उसके लिए अभी हमें बहुत अच्छे से जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा होता है कि कभी हम प्यूबर्टी एज में जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम नहीं जान पाते, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लेडीज को जब शादी करती है या तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है या तो बहुत कम एज में डायबिटीज आता है, उसके बाद वो डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में जैसे वेट कम नहीं होता है, या तो फिर आपकी और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, या तो फिर आप आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, कोलेस्ट्रोल का बढ़ना है, हार्ट अटैक्स आते हैं, या तो फिर डेथ तक पहुंच जाते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसका मेन कारण था PCOS। तो आज हम सारे उसके रास्ते भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। हमें डॉक्टर के साथ, डायटिशियन के साथ, एक्सरसाइज के साथ मिलजुल के इस प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने बताया, हमें सॉल्व करना है। लेकिन एक सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका जिसको हम मानते हैं, वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हमें रेगुलर अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज का एक प्लान बनाना चाहिए। हमेशा हम एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, ऐसा सोचते हैं हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, या तो मेरा वजन ज्यादा नहीं है, या तो मुझे बहुत ज्यादा काम है, या तो मैं अपने कामों में इतने उलझी हूँ, या तो मुझे बच्चों के साथ या अपने घर के काम करने में जरूरत ही नहीं है, या तो मैं इतना अच्छे से काम कर लेती हूँ ताकि मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बट सॉरी, यदि आप इनमें से सारे बहाने बना रहे हो तो सोच लो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर रह रहे हो, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत सारे आगे जाके जो फायदे मिलने वाले हैं उसे कम करेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें क्या कैसे कैसे फर्क हमारे शरीर में लाती है वो आप देखिए। देखो, जब जैसे मैंने आपको आगे बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो के थ्रू हमें मिलते हैं, उसमें से एक है वजन का नहीं कम होना या तो वजन बढ़ना, जो आगे जाके ओबेसिटी में कन्वर्ट होते हैं। अभी ओबेसिटी एक ऐसी परिस्थिति हमारे शरीर की जो हम सोचते हैं कि बस वजन कम कर दिया। जैसे किसी ने भी हमें वजन कम करने के लिए बोला होगा आज तक, तो हमने क्या किया होगा, या तो गूगल पे गए होंगे, या तो कहीं से भी डाइट प्लान किया होगा, या तो हमारे किसी फ्रेंड ने कोई डाइट प्लान अप्लाई किया है तो हमें उसको फॉलो करना शुरू किया होगा। तो हमारा फोकस कहाँ होगा, खाली वेट रिडक्शन पे, या तो फिर हमने कोई जिम ज्वाइन किया है तो वहाँ पर्सनल ट्रेनर से या किसी से भी हमने कोई डाइट चार्ट ले लिया होगा और शुरू किया होगा कि चलो हम आज से ये डाइट चार्ट शुरू करते हैं और फिर देखना शुरू कर देते हैं कि जैसे हमारा कितना वेट कम हुआ। अरे 2 महीना हो गया, मेरा तो 10 किलो वेट कम हो गया। अरे 1 महीना हो गया, मेरा 5 किलो वेट कम हो गया। तो आपको आज मैंने ये जो स्लाइड के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी से हमें डिप्रेशन है, हार्ट का फेल होना है, फैटी लिवर है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, गाउट है, थ्रोम्बोसिस है, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो जैसे पूरी जिंदगी के लिए साथ में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ओबेसिटी के साथ हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म गोल्स अपनाते हो, शॉर्ट टर्म वेट रिडक्शन जान लेते हो, जैसे तरीका यूज करते हो जो शायद आप जिंदगी नहीं कर सकते, तो इसमें से न तो आपको इसमें से कोई भी रोग के सामने फायदा मिलेगा, न तो ये चीज आप पूरी जिंदगी कर पाओगे। तो फिर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ओबेसिटी के सामने परमानेंट एक सॉल्यूशन लाए
और वो सॉल्यूशन आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है। ये कैसी बात हुई कि हम जब कोई भी एक पेड़ है, पेड़ यदि खराब होता है तो हम उसकी एक एक डाल को काटेंगे ना तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। बट हमें यदि पेड़ को ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी जड़ें मजबूत करनी होगी, उसकी जड़ों में ट्रीटमेंट करनी होगी और वही जड़ों के बाद वो ट्रीटमेंट हमारा पूरे पेड़ को वापस सही करेगा और उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे हम आगे बढ़ते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर होता है एक सही बैलेंस डाइट। हम बहुत सारे डाइट प्लान अपनाते हैं, बहुत सारे पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए प्लान को लेते हैं, या तो बहुत कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, या तो बहुत कुछ सोचते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाओ, या कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स मत खाओ, या पर्टिकुलर अनाज नहीं खाओ, या गेहूं को बंद कर दो, या डेली खाली ज्वार की रोटी खाओ। तो पहले तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कोई भी एक चीज हमारे शरीर को खराब, या कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक हेल्दी बैलेंस डाइट हमें शरीर में अच्छी तरह से अपना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए जरूरत है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे किचन में या घर में हाउसवाइफ हैं, तो शायद उनको टेक्निकल चीज समझ में ना आए, लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आएगी ही कि यदि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी सारी मशीनरीज बहुत अच्छे से दी गई है, लेकिन यदि आप वो फैक्ट्री में अपना रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं देते, या तो क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल नहीं देते, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्शन आएगा वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। हमारे शरीर भी ऐसा ही है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हमारे शरीर को जरूरी है, और डेली बेसिस पे उनका यूज करके, हमारे दिए गए पोषक तत्वों का यूज करके वो बॉडी वो हार्मोन्स और वो एंजाइम्स को बनाती है, और उसके थ्रू हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से चलता है। अब सोचो, अब हम जब खाने में अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, जब हम जंक फूड ही खाएंगे, जब हम ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें खाली कैलोरीज हो या कुछ न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं हो, हमारा वो हार्मोनल प्रोडक्शन अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए आज हम जाएंगे एक बैलेंस डाइट पे, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। हमारे हेल्दी बैलेंस डाइट के मेन 5 पिलर्स हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा फैट, विटामिन, मिनरल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। तो वन बाय वन हम इसको देखते जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन 3 ग्रुप्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पीसीओएस का डाइट प्लान करते हैं, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट फ्री खाना खाओ, कीटो डाइट लो, हमें शुगर को तो यूज करना ही नहीं है। तो समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च और फाइबर, 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो शुगर है वो स्पेशली ब्लैंक है, और उसके अंदर खाली ग्लूकोज होता है, जिनको हमारे सेल्स के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो शुगर डायरेक्टली हमारे शरीर में अंदर चला जाता है, बट उसके बाद हम बात करते हैं जब स्टार्च की, तो वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर बहुत सारे एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है, इसके जो अणु होते हैं वो, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है, और बहुत धीरे 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 करके वो अलग अलग धीरे धीरे रिलीज होते हैं, उसमें से ग्लूकोज बनने के लिए समय लगता है। तो ऐसे स्टार्च जो है, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उन सबको रिलीज करने में टाइम लगता है। तो एक्चुअल में वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, और पूरे दिन में हमें हमारा जितनी भी कैलोरी लेते हैं उसके 55-60% हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है पेस्ट्री, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसके अंदर रहती है, हो सके उतना उसको कम लेना चाहिए। और तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट है फाइबर। यस फ्रेंड्स, जब हम रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, चावल, या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ साथ फाइबर्स भी होता है। फाइबर्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में बचते नहीं, जिसमें कोई कैलोरीज भी होती नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर को क्लीन करने में, ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। तो आज के बाद जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो ऐसा नहीं सोचना है कदापि यह कार्बोहाइड्रेट बहुत खराब है या तो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व भी जुड़ के मिलते हैं जिनकी हमारे शरीर को काफी ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर को शक्ति, एनर्जी देने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत है। उसके बाद आता है फैट। फ्रेंड्स, फैट की जब भी बात करते हैं, ऐसा होता है कि फैट तो बहुत खराब है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बढ़ता है, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हाँ फ्रेंड्स, बात तो सही है, फैट को बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है क्योंकि 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरीज देता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हमें 4 कैलोरीज देता है, तो उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई। लेकिन फैट एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को जरूरी भी है, जैसे बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, वो हमारे शरीर में तभी जा पाएंगे जब हम फैट लेंगे। और फैट में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी हमारे शरीर की हर एक सेल्स, हर एक कोश की दीवारें हैं। यदि हमारी दीवारें मजबूत नहीं होगी तो कोई भी आराम से चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टीरॉइड हॉर्मोन्स हैं जिसका बनना फैट की वजह से ही पॉसिबल है, तो फैट्स नहीं लेना है ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डाइटिशियन से या तो किसी से भी कंसल्ट कर क्या हेल्दी फैट्स हैं वो जान के उसको लेना चाहिए। जैसे कि आप चिया सीड्स ले सकते हो वेजिटेरियन हो तो, और ऑलिव ऑयल ले सकते हो, वो हेल्दी फैट है, उसके अंदर ओमेगा 3 है। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज बेसिक चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमें ये सारी चीजें पता नहीं होगी हम कुछ नया नया करते रहेंगे। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और फिश यूज कर रहे हैं तो अच्छा फैट ले रहे हैं, फैट में आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा टोटली अवॉइड ना करें क्योंकि जब तक आप ये फैट को टोटल अवॉइड करेंगे तब तक आपको एक हेल्दी जो उसके बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है प्रोटीन। यस फ्रेंड्स, अभी तो कोरोना जिस तरह से चल रहा है, इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं, प्रोटीन के बारे में हम सब जानते हैं, जो भी कुछ अच्छा बनता है वो प्रोटीन की वजह से बनता है। और अगेन, प्रोटीन हमारे शरीर की बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म है जिसको एक्टिव करने में हेल्प करता है, तो प्रोटीन के बारे में ऐसा ही है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ फैट जुड़ा होता है, जैसे कि मीट है, एग्स है, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल या खराब फैट भी आ जाता है। तो हो सके तो नॉन वेजिटेरियन हो तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें। प्रोटीन यदि आप वेजिटेरियन हो और ऐसा समझ रहे हो तो मुझे 100% प्रोटीन नहीं मिलेगा, मैं जब एग या चिकन खाऊंगा तो ही मुझे प्रोटीन मिलेगा, ऐसी चीज नहीं है। आप दालें खाते हैं, दालों से बना हुआ आटा खाते हैं, यदि आप ड्राई फ्रूट्स नट्स खाते हैं, यदि आप दूध पीते हैं, यदि आप पनीर खाते हैं, यदि आप दही खाते हैं, तो आप भी प्रोटीन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा तो मैं डीप में नहीं जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी आगे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग 22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके छोटे छोटे कण मिक्स होकर हमारा प्रोटीन का एक अणु बनाता है। एक बात आप समझिए कि हमारा यदि घर है, हम घर में ईंट सीमेंट और रेत एक साथ लेके आएंगे तब जाके हमारी दीवारें बनेगी, और दीवारें जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा घर मजबूत बनेगा। यदि आप कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों में से कुछ भी छोड़ देंगे या नहीं लेंगे या तो उसको बहुत लंबे समय तक अवॉइड करेंगे तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और उसकी वजह से हो सकता है हमारी जो अंदर की इम्यून सिस्टम है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म की सिस्टम है, वो सारी धीरे धीरे टूट जाएगी और उसकी वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एमिनो एसिड्स की भी बात कर रहे थे तो उसके बारे में भी ऐसा ही है। ये 22 में से 9 एमिनो एसिड्स, 9 एमिनो एसिड या 9 आपके प्रोटीन इस तरह के हैं जिसको हमें कंपल्सरी डाइट में से लेना पड़ता है। यदि आप वेजिटेरियन हो और 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन को एक साथ मिक्स करके लेते हो, जैसे कि खिचड़ी, खिचड़ी में हम चावल भी लेते हैं और दाल भी लेते हैं, जैसे कि डोसा, तो उसके अंदर हम चावल भी लेते हैं और दाल भी लेते हैं, जैसे कि दाल ढोकली, इसके अंदर हम ढोकले में वीट का आटा लेते हैं और दाल भी लेते हैं। तो इस तरह की डिश है वो आपके प्रोटीन को कम्प्लीट करती है। तो नो नीड कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आपको एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा, आपको एक अच्छा प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स में से भी मिल सकता है। अब हम आगे चलते हैं। यह है विटामिन और मिनरल्स जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। जो हम इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं इसमें से बहुत सारी इम्यूनिटी हमें विटामिन में से मिलती है। आज हमने बहुत डीप में नहीं जाते हुए 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ए डी ई के, स्पेशली विटामिन डी हमें दूध में से मिलता है। विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें विटामिन नायसिन, विटामिन B1, B2, B6, B12 ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि पानी में घुलते हैं, जिसको हमें रोज लेना होता है। यदि हम 2 दिन या 3 दिन भी ये विटामिन नहीं लेते तो वो विटामिन हमारे शरीर में डेफिशिएंसी बना के आगे का जो पूरा जो कार्य है वो थम जाता है
जैसे कि हम खून की बात करें तो हमें मिलता है आयन में से, ओके, वहां से हमारा हीमोग्लोबिन मिलता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मीन्स आयन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, आयन और प्रोटीन दोनों मिला के हमारा बनेगा खून। वो यदि खून हमारा अच्छा होगा तो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन को ले पाएंगे, और ऑक्सीजन अच्छे से ले पाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क करेगा। लेकिन वो आयन और यदि वो विटामिन विटामिन सी और फॉलिक एसिड जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो यदि नहीं मिलेंगे तो ये आयन का रोल हीमोग्लोबिन बनाने में कोई काम का नहीं रहता। तो आयन के साथ हमें विटामिन सी और जिंक है या तो फिर फॉलिक एसिड है वो भी तो चाहिए। तो इस तरह से ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको हर एक चीज सही मात्रा में सही समय पे एक साथ लेनी जरूरी है, तभी जाके हमारी जो खाना है वो हेल्दी बैलेंस डाइट होगा। आज मैं आपको बहुत कुछ नए नुस्खे नहीं बताऊंगी, बहुत कुछ नया नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बताऊंगी जो आपके लिए सच में जरूरी है, बहुत सिंपल है, हम हर रोज की लाइफ स्टाइल में चेंज करके, हमारे हर रोज की दिनचर्या में उसको चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी हमें देखना है पानी। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कैलोरीज नहीं होती, जो आराम से पी सकते हैं, हर जगह अवेलेबल भी होता है। तो साफ पानी जब पिएंगे पूरे दिन में सही मात्रा में 3-4 लीटर, तो हमारे शरीर में जितनी भी प्रवाही चीजें हैं, तरल पदार्थ है, उनको एक सही तरीके से हम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो पानी हमेशा जरूरी है और हमें सही मात्रा में लेना भी जरूरी है। हम आगे चलते हैं, ओके, तो हमारे ये सारी मैंने चीजें बताई, वो सारी चीजों को इकट्ठा करके हमें बनानी है हमारी प्लेट या फूड पिरामिड। मोस्टली हर जगह पे आपको फूड पिरामिड की बातें की जाती है। पिरामिड मीन्स ऐसा कि जिसका ढांचा, अब यहाँ पे देखेंगे तो उसका ढांचा बना है कार्बोहाइड्रेट से। अभी हम जो नए डाइट प्लान बना रहे हैं खुद विदाउट एनी डाइटिशियन सपोर्ट, उसमें क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट को बेस को निकाल रहे हैं। अब सोचिए यदि आप बेस को निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा, तो फिर आप क्या करोगे, प्रोटीन और फैट इकट्ठा करके उसका बेस बनाओगे। अब सोचो कि अभी मैंने पिरामिड को इससे उल्टा कर दिया, तो उल्टे पिरामिड को हम क्या इसके ऊपर टिक पाएंगे, उसका जो बेस है वही तो हमें चाहिए। कि इसकी टोच इतनी छोटी है, इसके ऊपर हम अपने पिरामिड को बिठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गिर ही जाएगा। वैसे ही बात हो रही है हमारी प्लेट की, यही सारे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, सारे जो आपको विटामिन मिनरल्स पिलर्स बताए, सारे हेल्दी लाइफ स्टाइल के बैलेंस डाइट के, वो पिलर्स को हमें ऐड करना है अपनी प्लेट में। तो हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, सपोज ये आपकी प्लेट है, ओके, ये आपकी ब्रेकफास्ट डिनर की, आपको 50% वेजिटेबल्स से भरनी है, 25% आपको ऐड करना है प्रोटीन, जिसके अंदर दाल पल्सिस जो मैंने आपको अभी समझाया है वो सारे ग्रुप्स, या तो फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन या तो एग वाइट या तो फिश, इनका उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा जो पार्ट है 25% वो हमें स्टार्च से भरना है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार्च ज्यादा जरूरी है, जैसे कि वीट हो गया, बाजरा, ज्वार या रागी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और फ्रूट्स, तो इन सब का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। हम क्या मिस्टेक्स करते हैं एक्चुअली, तो वो मिस्टेक्स के कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो चलो आइए देखते हैं हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलता। आई होप यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जब हमें खुद का मैनेजमेंट करना होता है तो यंगस्टर्स बोलते हैं नहीं, हमारी जो पार्टीज होगी वो तो होके ही रहेगी, हम पिज्जा तो खाएंगे, बर्गर तो खाएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक्स तो पिएंगे। तो जब हम डाइट में खाली कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करते हैं, जैसे कि हमने एक पूरा बॉटल आज की पार्टी में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लिया, तो उसके अंदर आपकी आ गई 24 teaspoons शुगर। अब ये 24 चम्मच शुगर मीन्स आपकी कम से कम 500 कैलोरीज हो गई। अब सोचो आप उसमें से आधी बॉटल भी पीते हो तो 12 स्पून शुगर आपकी एक ही दिन की बॉटल में चली गई। साथ में आप खाते हो पिज्जा और बर्गर, तो यहाँ पे आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट। अब पूरा आपका जो डाइट है वो खाली कार्बोहाइड्रेट से भर जाएगा, तो वहाँ आपकी जो पिरामिड है या तो आपकी जो प्लेट है वो इम्बेलेंस हो जाएगी, और उसके कारण आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंसुलिन क्या है, कि इस तरह की चाबी है, सपोज हमारे शरीर में कोई भी कोष है उसके अंदर हमें ग्लूकोज को जाना है, भेजना है, तो वो ग्लूकोज किससे जाएगा, इंसुलिन नामक चाबी से जाएगा। अब वो चाबी यदि बहुत सारे लोग आ गए तो
एक ही चाबी से एक ही दरवाजा खोल के इतने सारे लोगों को हम कैसे अंदर डाल सकते हैं। ऐसे ही बात कुछ हमारे शुगर के लिए भी हो जाती है। तो जब हम बहुत ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में डालते हैं तो उसको पचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और इंसुलिन को ज्यादा मात्रा में बनना पड़ता है और फिर बॉडी का एक नुकसान करने का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। वैसे ही रॉन्ग फूड चॉइसेस, जो हमारी फूड चॉइसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अभी मैं आपको जो पिक्चर अभी दिखा रही हूँ इसमें ऐसा लगता है कि छोले भटूरे, ओके, जो हमारी कॉमन बातें होती है कि प्रोटीन ज्यादा लो, फैट ज्यादा लो लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम लो। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि हमने एक प्लेट छोले भटूरे के ले लिए, हमने उसमें प्रोटीन छोले के फॉर्म में लिया है और भटूरे में थोड़ा सा आटा हुआ है और वो बहुत सारे तेल में तला हुआ है, ओके, बहुत ज्यादा भूख लगी है तो डेफिनेटली अभी समय भी ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही लगता है कि चलो छोले भटूरे ही खाए जाए। बट आप देखोगे तो उसके अंदर 522 कैलोरीज आती है, ओके, और उसको बर्न करने के लिए हमें 63 मिनट ऑलमोस्ट एक घंटे से भी ज्यादा भागना होगा। इट्स नॉट अबाउट वॉक, आपको चलना नहीं भागना पड़ेगा तब जाके आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होगी। और उसके सामने जब आप बनाने की बात करते हो तो ऐसा होता है कि नहीं नहीं वो तो कार्बोहाइड्रेट है और मोस्टली लोगों को ऐसा डर रहता है कि बनाना खाऊंगी तो वेट बढ़ेगा। बट आप देखो कि छोटा सा बनाना खाते हो तो उसके अंदर आपको मिलती है 75 कैलोरीज, यदि आप मीडियम साइज बनाना खाते हो तो 90 कैलोरीज मिलती है, यदि आप बहुत बड़ा बनाना खा लेते हो जिसका वजन ऑलमोस्ट वो 9 इंच का है तो 120 कैलोरीज मिलती है, ऑलमोस्ट आपका 100 ग्राम बनाना जो होगा 100 ग्राम का या 110 ग्राम का तो उसमें से आपको 120 कैलोरीज मिलेगी। या बहुत बड़ा बनाना मीन्स जिसको हम खा ही नहीं सकते थे उससे ज्यादा भी खा लिया तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी 135 कैलोरीज, जो ये कैलोरीज से ऑलमोस्ट 4 गुना कम है। तो एक बनाना खाने से आपको इतना कोई कैलोरीज नहीं मिल जाता जो आपके शरीर को रेजिस्ट करता है या तो आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन उसके सामने कम कार्बोहाइड्रेट वाली गलत चॉइस दे ली जिसके अंदर ट्रांसफेट आ गया क्योंकि आपका जो भटूरे है वो तेल में बार बार तला हुआ है जो एक अनहेल्दी फैट है और अनहेल्दी फैट आगे जाके आपको कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ाएगा। जो छोले हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाले डाले हैं, उसको बार बार गर्म किया गया है, उसको बहुत उबाला गया है और भरपूर तेल डाला गया है। तो यहाँ पे छोले जो हेल्दी वर्जन थे वो भी अनहेल्दी में कन्वर्ट हो गए और आपके भटूरे भी अनहेल्दी हो गए, उसके सामने आपका जो नेचुरल सोर्स बनाने का हेल्दी हो गया। तो हमेशा ये हमारी गलती होती है, बार बार स्नैकिंग करने की आदत होती है कि चलो भाई खाना अच्छे से नहीं खाया लेकिन बीच में भूख लगी तो कुछ ना कुछ खाने लगे। तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमारा फ्रेंच फ्राइज हो गया या बीच में चिप्स हो गया या तो फिर कोई ऐसे करते ही नमकीन फरसान भुजिया यही सारी सेव पकौड़े या तो फिर ब्रेड बटर या तो फिर आपके घर पे कोई भी जो फरसान पड़ा है वो हमारी चॉइसेस वही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंट स्नैकिंग की तो हमें एक्चुअल में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो हो गया सलाड्स हो गए या तो थोड़े से कैरेट्स है या क्यूकम्बर हमारे घर पे पड़े हैं तो उसको ही हमने ले लिया। आपने रोस्टेड चना हमेशा घर पे रखो, कभी भी भूख लगती है बीच में वो खा सकते हो, या तो फिर मखाना पूरा एक छोटी सी कटोरी भर के हमने मखाना ले लिया तो भी खा सकते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो हेल्दी है तो फिर तो हम अनलिमिटेड खा ही सकते हैं, लेकिन नहीं, यदि हम ज्यादा पोर्शन में खाना खाएंगे तो हमारा कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से अगेन हमारा जो ओवरऑल शरीर है उनको ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, ज्यादा फैट कन्वर्ट होगा और ज्यादा वजन बढ़ेगा। तो जब भी हम स्नैकिंग भी करते हैं दिन में 2 या 3 बार करें लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, स्पेशली आपके जो स्नैक्स होते हैं वो छोटे से होने चाहिए और 100 या 300 कैलोरीज के बीच में आपका डाइवर्ट होना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप ये बेसिक टिप्स थी, बेसिक आइडिया था कि हमें हेल्दी बैलेंस डाइट क्या होता है। आज मैंने आपको जितनी भी स्लाइड अभी शेयर की आपने जो सुना यदि आप उसको भी फॉलो करते हो तो आप आज से हेल्दी बैलेंस डाइट खाना शुरू कर दोगे। यदि आपकी फैक्ट्री में बहुत अच्छे से रॉ मटेरियल गया है तो आपके हॉर्मोन्स या एंजाइम्स भी अच्छे से डेवलप होंगे और यदि ये एक साइकिल है आप अपने बच्चे को हेल्दी रखोगे आगे जाके मैरिज के बाद जब वो बच्चे डिलीवरी मीन्स फर्टिलिटी में आएंगे या तो प्रेगनेंसी रखेंगे ठहरेंगे तो वो मेल है या फीमेल तो दोनों के अंदर एक अच्छा डाइट जाएगा, उसकी वजह से जो बच्चा आएगा वो एकदम हेल्दी आएगा। उसके बाद हम जाएंगे उसके आगे के स्टेज में तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो भी हेल्दी होंगे, आगे जाके जब वो ओल्ड एज में जाएंगे इंटरनल बॉडी है तो वहाँ भी वो हेल्दी रहेंगे, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे वो दूर रह पाएंगे
और जैसे कि पीसीओएस के हमने अलग अलग लक्षण देखे, तो अलग अलग लक्षणों में भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये होगी कि आपको खाली और खाली पहले तो हेल्थी बैलेंस डाइट और डेली 45 मिनट एक्सरसाइज पे फोकस करना है, आपके 80% प्रॉब्लम्स तो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम थोड़े से टिप्स देख लेते हैं कि जिससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। सपोज कि आप जो नॉर्मल हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है, आलू पोहा, तो ऑलवेज चूज अ हेल्थी कार्बोहाइड्रेट फूड्स। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट खराब तो नहीं है, बस हमें उसकी मात्रा सेट करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे लें जिसके अंदर फाइबर्स भी हो और वो शक्कर में, शुगर में मीन्स कार्बो जो ग्लूकोज है उसमें कम हो। तो जैसे कि आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया आलू पोहा, राइट, उसके अंदर पोटेटो मीन्स स्टार्च आ गया, पोहा मीन्स स्टार्च आ गया। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई वेजिटेबल्स नहीं दिख रहे हैं, नहीं कोई प्रोटीन दिख रहा है। यदि उसको ही थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर थोड़े से पीनट्स डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से वेजिटेबल्स डालेंगे, तो यही पोहा का जो हमारा पोर्शन साइज है, पोहा की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी इंक्लूड हो जाएगी और जो मैंने आपको प्लेट बताई थी वो प्लेट एक पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पोर्शन साइज को हमें लिमिट तो करना है, तो बहुत ज्यादा खाना एक साथ नहीं खाना है, बट ट्राई टू ईट एटलीस्ट 3 मेन मील्स और 2 सिंपल स्नैक्स, जो सारा हमारा इस तरह से डिवाइड हुआ हो। स्पेशली आपको ये चीज डिवाइड करने में डाइटिशियन ही हेल्प करती है, बट आप खुद भी करते हो तो याद रखो कि 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी 3 मेन मील्स में है और आपका 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी इन बिटवीन है, स्नैक्स में है। इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का यदि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है। एटलीस्ट 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया 50% आपकी जो प्लेट है वो वेजिटेबल्स से भरी हुई होनी चाहिए, है ना, तो आपका 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स का होना चाहिए और फ्रूट्स का 1-2 सर्विंग्स होना चाहिए, जिससे हमें पूरी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलते रहे। और ये बात तो मैंने आपको आगे भी बता दी कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। यदि हम एक्सरसाइज डेली करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, डेली बेसिस पे हमारे डाइट में 300 कैलोरीज बर्न होती है। और फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए खाली जिम में गए, खाली दौड़े, खाली बैठ के प्राणायाम किया, खाली योगा किया, इससे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा, एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे हमें हर एक चीज को बैलेंस करके दिया जाए, वही वही एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है। क्योंकि जब हम PCOS की बात करते हैं तो मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग, हमारा स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा कार्डियो, हमारा स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये सब चीजें जहाँ पे एक साथ हमें मिले वहां पे हमें एडजस्ट करके अपने एक्सरसाइज को बैलेंस करना चाहिए। और दूसरी बात, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं लेकिन फिर भी हमारा कभी कभी वजन कम नहीं होता, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते ही हैं, कभी हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फिर क्या करते हैं, हम डर जाते हैं और क्या करते हैं, जो भी रास्ता मिलता है अब कहने लगते हैं। फिर इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई बोलता है तो 5 दिन इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं, 5 दिन कीटो करते हैं, 5 दिन एटकिन डाइट करते हैं, तो यहाँ से हम अपने बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, जब आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो वो एक डाइट कोई डाइटिशियन के अंडर में होना चाहिए। दूसरा, जो एटकिन डाइट है या तो कीटो डाइट है, उसके पीछे कोई एक पेशेंट या कोई डिजीज को पर्टिकुलर ध्यान में रख के उसके लिए वो डाइट प्लान किया जाता है, तो वो टेलर मेड होता है। ऐसा नहीं होता कि सबको कीटो डाइट दिया जाता है या सबको एटकिंस डाइट दिया जाता है, उसको डाइटिशियन खुद सिलेक्ट करती है, अपने ऑब्जर्वेशन में करती है, उसको कितने समय तक देना है वो करती है, उसको उसके साथ क्या सप्लीमेंट्स देना है वो करती है, वो पेशेंट को क्या तकलीफें हैं वो भी देखती है, उसकी रिपोर्ट्स देखती है, उसके बाद डाइटिशियन ये सारी चीजें का डिसीजन लेती है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप गूगल पे जाके या कहीं भी एक्सरसाइज कोई लिंक पे जाके या कोई वेबसाइट पे जाके या खुद ऐसा ही कुछ पढ़ के या किसी के बहकावे में आके ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपका वेट टेम्पररी 1-2 महीने के लिए तो कम हो ही जाएगा, लेकिन वो चीज आपके लाइफस्टाइल में फर्क नहीं लाएगी और वो आपको जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने पहले ही बता दिए थे, जो ओबेसिटी के साथ आते हैं, जो डायबिटीज के साथ आते हैं, जो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं, उनमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज हमेशा के लिए हमें याद रखनी है कि हम अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करें और अच्छे से कार्बोहाइड्रेट मैनेज करें और उसके साथ खाएं।
फ्रेंड्स आपको एक अच्छी डायटिशियन मिलती है ना, तो ये सारी चीजें वो थोड़े दिनों के अंतराल में आपको सिखाई देती है, और उसके बाद आप इतने तो यूज्ड हो जाते हो कि आपको कौन सा फूड सिलेक्ट करना है, कितना खाना है, क्या छोड़ना है, कैसे प्लान करना है, ये सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाती है। बस उसके लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डेडिकेशन, हार्ड वर्क और इंटरेस्ट और विलिंग तो है, ये सब चाहिए, तब जाके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। हाँ, कब से मुझे सुन रहे हो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, कोई रेसिपीज सिखाते तो अच्छा लगता है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए दो रेसिपीज को सिलेक्ट इसलिए किया है कि आपको भी समझ में आए कि डाइट प्लान करना बहुत मुश्किल नहीं है। सब वो हमेशा PCOS में सब राइस को खाने के लिए मना करता है, और मैं आज आपको राइस फ्रेंडली या PCOS फ्रेंडली राइस रेसिपी बता रही हूँ। बेसिकली हो गया ना, एक साउथ इंडियन राइस की रेसिपी है, ऑलमोस्ट हमारी खिचड़ी जैसी है। उसके अंदर मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, जो तुअर दाल है वो प्रोटीन का सोर्स है, राइस है वो डेफिनेटली आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, बट अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यदि आपने बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाया तो। उसके अंदर अंडे का जूस है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। ये बहुत सारे गर्म मसाले जो अलग अलग, जैसे कि धनिया है, जीरा है, सौंफ है, ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, उनका पाउडर है। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट सबको मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स क्या, हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे कचरा जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं वो आता है, उसको भगाने के लिए हमारा शरीर खुद ही रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न करता है, और वो हमें मिलता है बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स में से, या तो बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस में से। आप उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, चिलीज है, यहाँ पे हमने घी का यूज किया है। घी इसलिए यूज किया है क्योंकि उसके अंदर भी तो विटामिन ए है और बहुत अच्छा सोर्स है, बट हमने विटामिन ए का, लेकिन हमने घी खाना ही छोड़ दिया तो एक अच्छा वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन जो हमें मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, और उसका जो मेन सोर्स है जिससे हमें फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें कैश्यू नट्स भी डाले हैं, तो ये है नट्स, करी लीव्स डाले हैं तो अच्छा सा हमें कोई फंक्शनल फूड मिल गया, ओके, और थोड़ा सा सॉल्ट। तो ओवरऑल ये रेसिपीज मैंने इसलिए चूज की है कि आप खुद ही सिंपल रेसिपीज, हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है उसको भी हेल्दी बना सकते हो, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उससे ही आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। आपको ये शेयर की जाएगी, सो डोंट वरी, आप लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी दूसरी रेसिपी है खांडवी, मोस्टली यहाँ पे जितने भी गुजराती पर्सन है उनको खांडवी बहुत पसंद आती है। हमेशा ऐसा लगता है कि भाई अभी तो मुझे PCOS है, वजन कम करना है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं तो कुछ पर्सन या कुछ बाहर की चीजें या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खा सकती, मुझे तो खाली डाइट में बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने हैं, खाली सूप खाना है, खाली सलाद खाना है, और मोस्टली आधा दिन तो भूखा ही रहना है, तो ऐसा तो नहीं है। यदि आप ऐसी डिश बनाओगे जिसके अंदर आप देखोगे तो अभी ग्राम फ्लोर है, सो फुल ऑफ प्रोटीन, उसके साथ हमने बटर मिल्क ऐड किया है, तो वहाँ पे हमारा डेयरी प्रोडक्ट भी आया है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम बहुत सारे जो सिंपल स्पाइसेस है वो डाले हैं, उसके अंदर मैंने डाला है तिल। तिल के अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मीन्स एक ऐसा फैट है जिसके अंदर जो फैट होता है वो हमारे जो PCOS के सिम्टम्स है उसको कम करता है और उसको हील करने में हेल्प करता है, तो वो भी हमने ऐड किया है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी, इको फ्रेंडली, हमारे हेल्थ फ्रेंडली यूज किए हैं, तो हमारी जो डिश है वो फाइनली एक हेल्दी डिश में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरऑल हमें उससे फायदा मिलता है। तो डोंट इट कि आप बहुत सारा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें या बहुत ज़्यादा चीज़ें को अवॉइड करें, या पर्टिकुलर 10 या 12 चीज़ों से ही अपना डाइट प्लान करें। आप हो सके उतनी वेराइटीज अपने डाइट में हमें ऐड करनी है और मैक्सिमम चीज़ों को इंक्लूड करना है। ऐसी बहुत सारी अलग रेसिपीज भी हैं, जैसे कि आपने जिंजर और गार्लिक को ऐड करके एग ब्लाइंड का स्प्रेड बना दिया जिसको बाबा गणेश बोलते हैं, और उसको हम नॉर्मल रोटी के साथ खा सकते हैं। सो नो नीड टू ऐड कि आप थोड़ा सा ब्रेड वगैरह यूज करें, तो ये इंटरनेशनल डिश है, उसको हमने थोड़ा सा फ्यूजन बना दिया, हेल्दी बना दिया, अगेन हमारे लिए बहुत हेल्दी हो गया। आप हमस को ले लो, यदि हम हमस लेते हैं तो उसके अंदर रोस्ट वही बेंगल ग्राम्स चना होता है, ओके, और उसके अंदर हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को हम ऐड करके उसको हेल्दी बना सकते हैं। अगेन उसके अंदर होता है जिंजर एसिड्स, तिल हो गया, अगेन मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हेल्दी भी है और हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है,
और सिम्टम्स को कम करता है। ऐसे ही हम मसाला छोले मिसल जिसको तक पाव नहीं खाना, पम्पकिन पराठा जैसे नॉर्मल पराठा खाते हैं तो पम्पकिन पराठा, या तो फिर मेथी का पराठा, या तो पालक का पराठा, या तो फिर अढ़ाई जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं तो उसके अंदर राइस और दाल होता है। जब हम अढ़ाई बनाते हैं तो उसके अंदर मिक्स दाल हर तरह की दाल होती है और राइस का प्रोपोर्शन कम होता है। ऐसे ही हम स्प्राउटेड मूंग चीला बनाते हैं तो उसके अंदर हमें स्प्राउटेड मूंग का बेनिफिट भी मिलता है और हमें थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलता है। तो हम हमारी रेसिपीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, टेस्टी बनाए, एंजॉय करें, हेल्दी बनाए और अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करें। तो फ्रेंड्स, आपकी डिश कोई भी हो, इंग्रेडिएंट्स कैसे भी हो, बस हमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। तो अगेन मैंने आपको ये जो पूरा सिखाया आज के हेल्दी बैलेंस डाइट को, तो फाइनल हम हमारी प्लेट को देख लेते हैं। तो हमारे प्लेट में होने चाहिए कम से कम 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो आपके हो गए 1 सर्विंग मीन्स आपका 100 ग्राम, तो 500 से 600 ग्राम आपकी थाली में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की थाली में सब्जी होनी चाहिए। हमें कम से कम 3 सर्विंग्स, 1 सर्विंग मीन्स 30 ग्राम, तो 90 ग्राम मीन्स 100 ग्राम तक हमें दाल का उपयोग करना चाहिए। हमें ग्रीन रागी, ज्वार, बाजरा, किनोवा, ब्राउन राइस, ओट्स, ओके, जो जितने भी हमारे अनाज है उसमें से हमें 4 से 5 सर्विंग मीन्स कम से कम 100 से 120 ग्राम तक हम अनाज का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, स्पेशल फैमिलीज है वहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या होता है, खाकरा, यदि भूख लगती है तो बिस्कुट, फिर लंच में भूख लगती है तो रोटी सब्जी और राइस पर ज्यादा हो जाता है, फिर भूख लगती है इवनिंग में तो सेव मामला, फिर भूख लगती है तो कुछ फ्रूट्स, और फिर भूख लगती है तो रात को खिचड़ी या आलू की सब्जी, हर एक चीज में आलू। तो यहाँ पे आपका ये जो सर्विंग साइज है ग्रेन्स का वो काफी बढ़ जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। दिन में हमें 2 सर्विंग फ्रूट्स के लेने हैं, फ्रूट्स का एक सर्विंग होता है 50 से 70 ग्राम का, और 2 सर्विंग हमें सीड्स और नट्स के लेने हैं जो ऑलमोस्ट 15 ग्राम से 20 ग्राम्स के अंदर आपके आ गए। तो आप पूरा दिन का शेड्यूल यदि इस तरह से मैनेज करते हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे डाइट प्लान करने में, लेकिन डेफिनेटली आपको एक डाइटिशियन ज्यादा अच्छे से वो हेल्प करके प्लान करके देती है। ओके, तो कल मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, यहाँ पे मैं अपना जो पूरा प्रेजेंटेशन है स्पेशली लाइफस्टाइल के साथ हम कैसे मैनेज करें एक्सरसाइज और डाइट के, तो एक्सरसाइज का खुद का एक अपना पार्ट है, हम उसको कम से कम 15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आज समय की पाबंदी है, एज ए डाइटिशियन मैं डाइट का पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मैंने वही पार्ट को लिया है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि हम ऐसे एक्सरसाइज से मिले जो हमें एक्सरसाइज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी और हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। आई होप कि आज के सेशन में मैंने आपको जो भी टिप्स बताई या ट्रिक्स बताई या हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में बताया, वो सारी चीजें आपकी डाइट में आप इंक्लूड करोगे तो काफी हेल्प हो जाएगा। हम क्वेश्चंस एक्चुअली ले रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर नेहल को, ताकि उनको कोई भी शेयर करना है आज के सेशन के बारे में तो मुझे शेयर कर सकते हैं। सो रचना मैडम, एक क्वेश्चन आया है चैटबॉक्स में कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों यूज नहीं कर सकते हैं हमारे ये बैलेंस डाइट में। अपने बैलेंस डाइट में हमें डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना ही है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोटीन ग्रुप में है। ओके, तो हम और करते भी हैं, जैसे कि हमारे डेली यूज में दाल होती है, जरूरी नहीं है हम कढ़ी लेते हैं, हम डेली जो चाय या बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत मिल्क यूज कर लेते हैं, या तो दिन में एक बार दूध पीने की आदत होती है, या तो हमारे कोई भी खाने में पनीर यूज हो जाता है, या तो हम छाछ लेते हैं, या तो हम दही से बनाई हुई कोई भी डिश लेते हैं, जैसे मैंने बटर मिल्क खुद ही ऐड किया था वो खांडवी या पाटोड़ी की रेसिपी में, राइट। तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हमारी गलती होती है वो ये हो जाती है कि भाई दूध बहुत अच्छा है तो हमने पूरा दिन में आज पनीर भी खाया, दही भी खाया, छाछ भी पिया, 1 लीटर दूध भी पी लिया, तो यहाँ पे हमारा कैलोरी मैनेजमेंट और फैट मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। पूरे दिन में हम 1500 कैलोरी खाली दूध में से ले लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, वो अगेन फाइबर में नहीं है, फाइबर नहीं है दूध में, प्रोटीन मिलता है लेकिन फाइबर नहीं है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा इम्बेलेंस होता है। तीसरा, लैक्टोज शुगर मिल्क में होती है, तो यदि हम मिल्क की बात करते हैं तो खाली प्रोटीन नहीं मिलता है,
उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो हमें डेफिनेटली बैलेंस करके लेना चाहिए। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स पर्सनली मैं मना नहीं करती हूँ, और कोई भी एक क्लिनिकल डाइटिशियन है वो मना नहीं करेंगी कि डेयरी प्रोडक्ट पीसीओएस में नहीं लेने चाहिए। आई थिंक आई ऐड टू समथिंग टू दिस मोर, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन, और वेगनिज्म बहुत बढ़ रहा है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाओ और वेगन बनो और एलमंड मिल्क पियो एंड ऑल दैट। तो उसके पीछे जो थियोरी है वो ये है कि आज जो हमें हमें जो जिस प्रकार का दूध दिया जाता है, हमें पता नहीं है उसकी क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि काफ़ी सारा जो दूध आता है उसमें एक्चुअली हम उस जनरेशन के माने इंसान हैं कि जहाँ हर चीज़ में कंटेमिनेशन है। तो ये आपको पर्सनली चेक करना है कि क्या कोई डेयरी प्रोडक्ट खाने या लेने से आपकी सेहत पे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है या नहीं। हर किसी के लिए डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना वो भी एक ठीक बात नहीं है, और हर कोई डेयरी प्रोडक्ट खा सकता है वो भी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आंसर नहीं है। आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहचानना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि दूध बंद करने से मुझे मेरा शुगर लेवल मेंटेन होता है तो इट इज़ ओके। मैंने प्रैक्टिकली दोनों किस्म के डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं, जिनमें जिसने दूध बंद कर दिया है तो उसका इंसुलिन लेवल मेंटेन हो गया, जो दूध लेते हैं उसका भी मेंटेन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये माने दूध पी लो या नहीं पी लो तो उससे कोई प्रॉब्लम है। आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं, वो आपको पर्सनली चेक करना जरूरी है। ये थियोरी हर एक को एप्लीकेबल होता है ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रूवन यू कांट प्रूव इट, उसको प्रूव नहीं कर सकते कि भाई ये मेरे को मिल्क की एलर्जी है या मुझे मिल्क के कोई कंटेंट की एलर्जी है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो दूध आता है डेयरी से उसमें काफ़ी सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो शायद आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसे बाहर से आए हुए कोई प्रोडक्ट जिसके अंदर दूध के साथ कोई ऐसा कंटेमिनेटेड मटेरियल है, तो वो आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इट इज़ बेटर टू लीव, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू रिड्यूस। जैसे मैडम ने बताया था कि कम पोर्शन में लीजिए, जैसे हम टीचर्स हैं तो हम लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, कप रिड्यूस कर देते हैं। बड़ा सा ग्लास पीना उससे अच्छा है छोटा छोटा कप पियो। तो आप पोर्शन रिड्यूस कर दीजिए और उसको काफ़ी सारे टाइमिंग्स में डिवाइड कर दीजिए, तो वो इतना बुरा इफेक्ट आपको नहीं देगा। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हर तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो आई थिंक दैट शुड बी अ सफिशियंट आंसर फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर के डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। यू गिव अ ट्राई, छोड़ के देखिए क्या इफेक्ट आ रही है, और खाते हैं कब कब क्या इफेक्ट आ रही है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए योग्य है या नहीं। मैडम थोड़ा बीजा पण क्वेश्चंस छे और थोड़ा तो આપણે એક વાર છે આ એટલે રાખો છો એટલે તમારી પાસે જે ક્વેશ્ચન્સ છે આપણે પહેલા લઈ લઈએ અને પછી આપણે જેટલો સમય બચે તો એ પ્રમાણે આ બધા ક્વેશ્ચન્સ એક્ચ્યુઅલી માં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। પણ અગેઇન આપણે એ વસ્તુ જોઈએ કે અત્યારે જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓલરેડી એક્ટિવ છે તો એમને પ્રશ્ન આપણે સારી રીતે ન્યાય મળે, કારણ કે સમયની પછી પાબંદ થઈ જશે તો એટલો સમય આપણે। ઓકે સો ગોપી આઈ હોપ યુ આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ આન્સર। ધેર આર લોટ ઓફ હોર્મોન્સ એડેડ ટુ ધ પ્રોડક્શન ઓફ કાઉઝ મિલ્ક, सो इट डिपेंड्स आप कौन सा मिल्क पी रहे हैं उसके ऊपर सारा है। अब तो ये गीर गाय वाला भी दूध अवेलेबल है, तो अगर जिसको ऐसा है कि मैं दूध नहीं छोड़ सकती, यू कैन गो फॉर दैट, बिकॉज जो जर्सी गाय से जो दूध आता है उसमें A2 कंपोनेंट नहीं होता है, और वो A2 कंपोनेंट गीर गाय में होता है, तो उसका दूध एक्चुअली सही तरीके में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वो मेडिसिनल वैल्यू वाला है। हर गाय का दूध पीने से अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। एक और क्वेश्चन है निहारिका गोयल का, वो पूछ रही है क्या पीसीओडी वाले लोग कॉफी पी सकते हैं। हाँ डी, पीसीओडी है तो कोई एक चीज पर्टिकुलर ना ले या पर्टिकुलर ज्यादा ले, मैंने वही बताया कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा ले या बहुत कम ले ऐसा मत करो। जैसे आपको कॉफी का शौक है
आपने कभी कभार थोड़ा ले लिया तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है तो मैं दिन में 3 बार ले रही हूँ तो 3 बार कॉफी लू, स्ट्रॉन्ग ही लू, क्योंकि एनी हाउ वो हमारे इंटरनल सिस्टम को तो अफेक्ट करती है, अगेन उसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जितने भी रिसर्च पेपर्स हमारे पास है उसमें यही बताया गया है कि हमारा जो पोर्शन है, पोर्शन साइज है वो ज्यादा, मीन्स दिन में आप 3 से 4 बार कॉफी पीते हो तो उसके सारे रिपोर्ट्स है। यदि दिन में 1 बार मॉर्निंग की कॉफी पीने के बाद आप अच्छा फील करते हो तो फिर फ्रेश एंड हैप्पी, तो डोंट वरी, उसको स्ट्रेस में आके बंद मत कर दीजिए। तो जैसे नेहल मैम ने अभी भी बताया कि मिल्क में जैसे मुझे आपको उन्होंने बताया है कि भाई हम खुद सेट करना होगा, यदि इफ यू आर कंफर्टेबल विथ कॉफी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और दिन में 1 बार पी रहे हो तो बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने अभी बताया कि पी सकते हो और आपने अनलिमिटेड शुरू कर दिया तो डेफिनेटली 100% उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इसमें भी क्या है, ये भी रिलेटिव चीज है, जैसे मैं समझती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे स्टडी में ऐसा मैंने पाया है कि जो लड़कियां कॉफी का इस्तेमाल जब पीरियड्स आने वाले हैं उस दौरान करती हैं तो उनको काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये जज करना है कि जब आप ये पूछ रही हैं कि पीसीओडी में कॉफी पी सकते हैं या नहीं, तो पीसीओडी में माने पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए या पीसीओडी की वजह से आपकी जो साइकिल इरेग्युलर हुई है उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप रिलेट कर रही हैं कॉफी के साथ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉफी कब पी रहे हैं, क्या आप खाली पेट कॉफी पी रहे हैं, दिन में बहुत सारी बार कॉफी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं, कितनी मात्रा में कॉफी, बहुत ज्यादा शुगर डालते हैं, हाँ बहुत ज्यादा शुगर ऐड करते हैं इसमें, माने ये ना ये स्टेटमेंट्स इंटरनेट पे बहुत आ जाते हैं कि कॉफी मत पियो, ये मत पियो, पर फिर उसका डिटेल में एनालिसिस नहीं बताते हैं कि कॉफी कब मत पियो, किसको कॉफी नहीं पीना चाहिए। अभी चाय भी उतना ही नुकसान करता है जितना कॉफी करता है, क्योंकि चाय की वजह से, चाय में जो कैफीन रहता है वो डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार चाय पी रहे हैं, अब 2 बार चाय पी रहे हैं तो उससे शायद नहीं कुछ होगा, पर अगर आप दिन में 5-6 बार चाय पी रहे हैं या हर घंटे के बाद, क्योंकि कई लोगों की ऑफिस जॉब ऐसी होती है कि हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद वो कटिंग चाय आती है टेबल पे और वो पीते रहते हैं, तो क्या आप उस वाली माने कैटेगरी में आते हैं? तो हमें ये सब समझना है कि हमारा रूटीन लाइफस्टाइल कैसा है, उसमें क्या फॉलिंग हो रहा है, अदरवाइज आप कुछ भी चीजें खाएंगे तो हर एक चीज हर एक को एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आई थिंक कॉफी भी पियेंगे, कभी कभार पी लेते हैं तो दैट इज फाइन इनफ, कोई उसे उसमें दिक्कत नहीं है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि कॉफी माइट बी अ बून, but certain people coffee might not be suitable to them. Now you have to really understand your body. हम लोग fast life में अपने body को समझना ही भूल गए हैं, सिर्फ internet और books पढ़ते रहते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा body क्या language बोल रहा है। तो I would request के आप judge कीजिए अपने आप को कि क्या आप coffee पी रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो even without milk coffee पीते हैं, तो क्या आप विदाउट मिल्क वाली कॉफी की बात कर रहे हैं या विथ मिल्क, और गुजराती लोग तो बिना मिल्क के कॉफी चाय पसंद ही नहीं करते, उसमें मिल्क की मात्रा ज्यादा रहती है, कॉफी चाय कम रहेगा और शुगर बहुत रहेगा, तो अब किस किस्म से कॉफी बन रही है वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देख के उसके बाद तय कीजिए कि कॉफी पीना चाहिए या नहीं। हाँ, मैंने मेरे स्टडीज में रिसर्च में ऐसा पाया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं कॉफी पीने से, कई लोगों को कॉफी पीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस होती है, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सल। हो सकता है कि वो 200 लोगों को हो रहा है तो 200 में से 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिसको शायद ये फीलिंग नहीं है, तो क्या आप वो 200 में से 1-2 लोगों में आते हैं या यू आर इन दैट 198 या 192 वाला ग्रुप, सो यू हैव टू जज अकॉर्डिंगली, राइट? सो एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रुप, आप अपने अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको चैट बॉक्स कंफर्टेबल नहीं है, वरना जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे हम उनके क्वेश्चन अब लेंगे। सो आई थिंक रचना मैडम आप वो क्वेश्चन ले सकती हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं, लेट्स डिस्कस दैट। देखो, एक तो व्हाट डू वी नीड, आई नीड टू नो अबाउट इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो हमेशा इंसुलिन के बारे में ऐसा होता है कि इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या एक्चुअल में इंटरेक्शन है। तो पहली चीज, जैसे PCOS है, ओके, तो उसमें क्या होता है, जो हॉर्मोन्स है हमारे सारे डिस्टर्ब है। मैं आपको थोड़ा सा समय है तो एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में जो हमारे ओवरीज हैं,
थे ओरिजिन के अंदर जो हमारे एग्स बनते हैं वो हार्मोन बनते हैं, और वो एग्स जो बनते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से FSH और LH ये दोनों जो हार्मोन्स बनते हैं उसके साथ इंटरेक्शन में वो जिस तरह से रिलीज होता है हमारे एग्स बनते जाते हैं। विदिन 28 डेज वो फर्टिलाइज नहीं होते, हमारी जो यूट्रस की वॉल है वो थोड़ी थिक बनती है और वो उसके साथ वो फर्टिलाइज होके पूरा जो थिक वॉल है यदि फर्टिलिटी नहीं हुई है फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो निकल जाता है, राइट। ये हमारा कॉमन साइकिल है। उसके साथ साथ बाकी के हॉर्मोन्स भी जुड़े हुए हैं, उसमें से एक है इंसुलिन। तो हम जितना भी खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जितना हमारा अंदर जाता है वो कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर जाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होता है। जब ये PCOS का प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ साथ वेट भी अफेक्टेड होता है हमारा, एक तो वजन ज्यादा होता है, हमारा जो खाना होता है वो भी रेगुलर होता है, उसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन है वो ज्यादा बनता है। अगेन हम उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो हमें ज्यादा इंसुलिन चाहिए, और ज्यादा इंसुलिन बनते रहने का कारण एक बॉडी में एक ऐसा रेजिस्टेंस आ जाता है जहाँ पे इंसुलिन अटैच नहीं हो पाता सेल्स से, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट के साथ इंसुलिन कनेक्टेड है और हमें कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करना होता है। ओके, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसे हमारे पास कॉमन पीपल है तो उनको शायद अभी एक या दो जो जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं उनको छोड़ के सबको भी ये जानना जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो पर्टिकुलर कोई भी वेजिटेबल्स अनाज या कोई भी इंग्रेडिएंट्स जब हम खाते हैं और उसको खाने के समय उसमें से जितना ग्लूकोज या जितना शुगर रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में जाता है और उसके साथ हमें जितना इंसुलिन चाहिए उसके हिसाब से जो एक तरह का, जैसे सपोज हमने आज शुगर ले लिया या वाइट ब्रेड मैदा ले लिया तो उसके लिए हमें 100% चाहिए तो वो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 हो गया। उसको कंपेयर करके कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या ग्रेन्स का हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिला है। सपोज आपके पास जितने भी डाइटिशियंस है या आपके खुद के डाइटिशियंस है वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है यदि हम ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का या ऐसे अनाज का कॉम्बिनेशंस करते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा इंसुलिन की जरूरत रहती है और उसकी वजह से हमारा शुगर ज्यादा बढ़ता है या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी आता है या बार बार आता है या ज्यादा मात्रा में आता है, तो वो उसके साथ कनेक्टेड है। और हमें क्या करना है, जब हम रेसिपीज को प्लान करते हैं तब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रेसिपीज और ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रेसिपी इंग्रेडिएंट्स दोनों को मिक्स करके हम रेसिपी प्लान करते हैं, अगेन कुकिंग मेथड को मैनेज करते हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं और उसकी वजह से हम अपना जो इसकी साइन और सिम्टम्स है उसको भी कम कर सकते हैं। सिर्फ उसकी वेट गेन हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं, शुगर बढ़ रहा है कम कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी है मैनेज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते। उसके आगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें डेयरी का तो हमारा क्लियर हो गया, शुगर और ग्लूटेन और सोया। ग्लूटेन मींस इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो स्पेशल व्हीट में होता है वो, और सोया इसमें से हमें जो शुगर है उसकी तो मैंने ऑलरेडी बात आपको कर दी कि शुगर जितने भी आप डालोगे उसमें से आपको कोई न्यूट्रिशन तो मिलने वाला है नहीं, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितनी बार हमारे शरीर में जाएगा उतना हमें इंसुलिन ज्यादा लेना पड़ेगा, अगेन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी तो वापस वो डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होगा, उससे हमारा LDL खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे हमारा जो इंटरनल जो कोलेस्ट्रोलेमिया है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के आगे जाके चांसेस आएंगे और इन सबकी वजह से हमारा जो हार्ट है उसकी वॉल ठीक होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे और अगेन हमारा जो एक साइन है इरेगुलर पीरियड्स उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। तो शुगर तो डेफिनेटली हमें जब पता है कि PCOS है हमें टाइप 2 डायबिटीज का जो डाइट होता है वो करना शुरू करना है। दूसरा है सोया, तो सोया जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, इवन जापान में आज भी सोया को लेके बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि उनकी जो इनकी जो एज है इंटरनल बॉडी एज है वो बढ़ रही है अच्छे से, तो डोंट वरी वो नेचुरल और उसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन है जो हमारे हॉर्मोन्स के जैसे ही हॉर्मोन्स है, ऐसे केमिकल्स है जो हॉर्मोन्स के जैसे ही फील करते हैं बॉडी और उसकी वजह से उसका फायदा रहता है। तो स्पेशली प्री मेनोपोज मेनोपोज और PCOD ये जो वुमन्स हैं उनको ये सोया बहुत हेल्प करता है। उसको आप टोफू है या तो सोया चंक्स है या तो सोया फ्लोर है इससे भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा जो सोया है
लेकिन एक चीज है कि लोग कच्चा गेहूं में सोया डाल देते हैं, तो कच्चे डालने से उसकी जो टॉक्सिन्स है वो अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो हार्मोनल फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बल्कि उसका नुकसान मिलता है, नुकसान होता है। तो हमें कैसे लेना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सोया वेरी हेल्दी, अगेन व्हीट, व्हीट में ग्लूटेन होता है। हमें कुछ भी चीज थोड़े समय के लिए बंद करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। तो टेम्पररी जब प्लेटो सेट हो जाता है, हम कम उसको तोड़ने के लिए व्हीट वगैरह कम करवाते हैं। या तो किसी किसी को ग्लूटेन एलर्जी, जिसको सीलिएक डिजीज बोलते हैं, या तो किसी की इंटरनल बॉडी जैसे गट उसका है, वो उसको उसकी फ्रेंडली नहीं है, तो उसको हमेशा इरिटेट करता है। तो इन तीन चीजों में हमें ग्लूटेन को हो सके उतना कम लेना है। बाकी नॉर्मल रूटीन में हमें ऐसा नहीं है कि अभी मैम ने बोला है तो आप डेली सुबह शाम व्हीट खाना शुरू कर दो। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेट्स है जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, उनका फायदा भी लेना जरूरी है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना भी जरूरी है। बट हाँ, जैसे हमने कभी कभार एक रोटी खा ली तो इट्स नॉट वेरी डेंजरस फॉर अस कि भाई अभी रोटी खाना ही नहीं है या रोटी हमेशा के लिए छोड़ना है। हाँ, आपको एक खुद चॉइस अच्छी लगती है या तो आपकी बॉडी भी आपको सूट होता है तो आप बंद कर सकते हो, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। बट स्पेशली ग्लूटेन जो इरिटेट करता है वो सीलिएक डिजीज को, जिसकी गट अफेक्टेड है उसको अफेक्ट करता है। तो जैसे डेडी के बारे में हुआ था, ये सारी मिथ्स है, लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से वापस आप रीजनरेट करो, अपनी इंटरनल साइकिल्स को आप देखो, अच्छे से डिस्कशन करो डाइटिशियन के साथ, आप जो भी हेल्थ ट्रेनर है उनके साथ, अपने पास बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ो, और लास्ट में आप डिसीजन लो कि मुझे ये कितना सूट होता है। तो टोटली बंद मत करो, बट हाँ, सोया इज अ वंडरफुल थिंग, सो प्लीज अपने डाइट में इंक्लूड करो। तो ऑलमोस्ट मैंने ये उनको भी ये मोस्ट बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी। आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं शायद मैं आपको थोड़ा सा कम कर, वो कंप्लीट करके मुझे एक काउंसलिंग है 5:30 को, तो मैं शायद उसके लिए जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको इसलिए मैं क्लियर करवा रही हूँ, फिर आप हाँ। तो एक लास्ट वाला एक ऐसा है कि भाई मैं बहुत हेल्दी चीजें ही खाती हूँ और कुछ अनहेल्दी तो खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा वजन क्यों कम नहीं होता है, या तो मुझे पोर्शन साइज मैनेज करना चाहिए। बट हाँ, आप कोई भी हेल्दी चीजें खाती है, जैसे कि आप कैश्यू नट्स खाती है या बादाम खाती है, तिल खाती है, सोया खाती है, तो उसके अंदर भी कैलोरीज तो होती है। तो जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जब हम बात करते हैं हेल्दी बैलेंस डाइट की, जब हम बात करते हैं एक बैलेंस नेचर ऑफ फूड की, तो हेल्दी फूड होता है तो भी उसमें कैलोरीज तो होती ही है। तो डेफिनेटली हमें पोर्शन साइज को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, कॉम्बिनेशन अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, पूरे दिन में हमारी जितनी भी कैलोरीज है उसको मैनेज करना चाहिए। और स्पेशली जब हम बाहर से खाना लाते हैं या पैकेट का कोई फूड आता है बाय चांस, या तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो वहां पे हमेशा गड़बड़ हो जाती है सर्विंग साइज की। सपोज आप कोई भी पैकेट लाते हो बाहर से, तो वहां पे लिखा होता है कि इसके 100 ग्राम में उतना इतना कैलोरीज है, प्रोटीन है, फैट है, लेकिन वो एक्चुअल में जो पैकेट होता है वो 400 ग्राम का होता है। तो आपने चार गुना हर चीजों को पोर्शन साइज में इंक्रीज कर लिया। सपोज आप कोई मूवी देखने जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, पॉपकॉर्न अनहेल्दी नहीं है, लेकिन होता क्या है, वो लोग छोटे पोर्शन साइज नहीं देते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा बड़ा वो लोग बहुत ज्यादा सर्विंग 6 to 8 सर्विंग पॉपकॉर्न के आ जाते हैं। और आप क्या करते हो, बैठे बैठे 3 घंटे में ये सारे 8 सर्विंग खा जाते हैं, और उसके बाद बाहर जाके आप वो रेस्टोरेंट पे फूड खाते हो। तो एक्चुअली ये सारी चीजें ट्रिगर करती है, नॉट कि आप वन पोर्शन का खाना लो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्दी लेते हो तो भी आपको पोर्शन साइज को देखना ही है, और स्पेशली जब अनहेल्दी कुछ चला जाता है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है कि आपका पोर्शन साइज कितना है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि मैंने जितने क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो तो इसमें इंक्लूड किए, फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मैं मुझे ये क्वेश्चंस है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको पहले कम्प्लीट करते हैं। और आज में तो हमारा जो है ओपन रहेगा व्हाट्सएप वाला, वहां मुझे ऐसा कुछ लगेगा तो मैं एटलीस्ट 24 आवर्स तक ओपन रखेंगे, तो मैं इसके अंदर कोई ऐसे आंसर्स होंगे जो ट्रिगर करेंगे तो देखेंगे।
ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप अभी भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में रचना मैडम हमारे साथ हैं, आप कभी भी वहाँ भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और मैडम रिप्लाई कर सकती हैं। आप उनको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर हमारे ग्रुप में है ही, हम उसको वापस से एक बार आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो उस पर आप अपनी इनकी मदद लीजिए। और देखिए, खाना नहीं खाना या खाना खाना सिर्फ ये एक चीज से रोग का समाधान नहीं होता है। जिनका ये प्रश्न था कि मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, तो हेल्दी खाना इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन, दैट्स ओनली वन फैक्टर। आप चेक कीजिए कि क्या आप मेंटली भी अपनी सेहत के बारे में हेल्दी हैं। कई बार हम फूड को इतना ज़्यादा प्रेशर में खाते हैं, इतना स्ट्रेस करके खाते हैं, फूड को भी हम आनंद से नहीं खाते हैं। अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं हो रही है तो वो चीज़ें अंदर जाके कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। तो क्या मेंटली आप खुश हैं उस चीज़ों को खाने के लिए, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है जब आपको वेट रिडक्शन करना है। क्या आप मेंटली सोमेटिकली कुछ सोच रहे हैं जो आपकी सेहत पे इफेक्ट कर रहा है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने हेल्दी खाना खा लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हेल्दी खाना खाया पर कौन से तरीके से खाया, उस टाइम पे आपकी सोच क्या थी, आपने उसको खुशी खुशी खाया या एक बर्डन समझ के खाया या डाइट करना है उस प्रेशर में खाया, दैट ऑल्सो इक्वली मैटर्स। सो यू हैव टू एंजॉय योर फूड। अगर आप माने हर चीज को काउंट कर करके खाएंगे तो आपका कभी पीसीओडी ठीक ही नहीं होना है। तो हर चीज को काउंट कर करके नहीं खाना है, एक लाइफस्टाइल बनानी है जिसमें कभी कभी ब्रेक भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर सकते हैं, वापस उसको नॉर्मलाइज भी करना है और किसी एक फूड को पकड़ के नहीं बैठना है, काफी सारा वेरिएशन रखना है, तभी आप फूड को एंजॉय कर पाएंगे, आपका बॉडी भी उसको समझेगा और वो खुश होगा। जितना बॉडी खुश होगा आपके डिजीजेस उतने ही निकलेंगे। हम लोग बर्डन से खाते हैं, मैंने आज एक पिज्जा खा लिया तो 15 दिन तो मैं याद रखूंगी कि मैंने कल पिज्जा खाया था, तो वो बर्डन नहीं होना चाहिए जब आप पिज्जा खा रहे हैं। खाना था, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने खा लिया, ठीक है, अभी उसका पोस्ट मुझे क्या मैनेजमेंट करना है वो मुझे आना चाहिए। सो दैट इज द लर्निंग अबाउट फूड, कि आपको समझ आ गई कि एक पिज्जा में इतना कैलोरी है, मेरे शरीर पे उसकी इतनी इफेक्ट होने वाली है, मैं खा रही हूँ, अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं इतनी एक्सरसाइज कर लूंगी, 2 दिन मैं इतना सारा फूड रिस्ट्रिक्ट करूंगी, ये चीजें अगर हमें आ गई तो ये हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो जाएगी। वरना क्या होगा कि हम कितने भी सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करेंगे, हमारे लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आना है तो फिर तो वही बात हो गई कि एक बुक किताब पढ़ लिया और कोई माने अंदर तो कुछ गया ही नहीं, कोई चेंज तो आया ही नहीं। तो अगर चेंज लाना है तो हमें इन सब चीजों को हमारे रूटीन में लाना पड़ेगा। तो आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन एंड अप टुडेज वेबिनार। इफ एनी मोर क्वेश्चंस आर देयर, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर द क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। I'll request Khushbu Shah to give vote of thanks and close the seminar. हम लोग please छोड़िएगा नहीं, हम लोग एक group photo लेंगे online. तो 2 मिनट और रुक जाइए for our group photo, for our memory that we had a webinar with lovely participants like you. So please stay on for 2 more minutes. Yes, Khushbu. Thank you so much, ma'am. I would like to thank you, Dr. Rachna Dalal, ma'am. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट और कौन कौन से मतलब प्रोटीन है, कौन से अच्छे फैट है और कौन सी चीज़ें वेगन्स को खानी चाहिए और कैसे प्रोटीन है जो नॉन वेगन्स के लिए भी है। और आपने जो वो कंपैरिजन बताया छोले भटूरे और बनाना वाला, वो भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। और पीसीओडी के लिए आपने जो शुगर है और जो सोया का यूज है और आपने जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो बताया, आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी क्वेश्चंस था वो सबको सॉल्व हो गया होगा। सो अगेन आई थैंक यू सो मच मैम, और आई थैंक यू टू माय ऑल कलीग्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर नेहल शाह मैम, अवर फाउंडर एंड ट्रस्टी ऑफ ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट, thank you so much. We request all the participants to kindly switch on their videos for the picture, for the group photo. Please switch on your videos. Let us see the lovely participants who were there for 2 days with us. Thank you so much. It was very, very useful.
It was 6 a.m. and I was listening to you while I was traveling. Thank you. Thank you. Vatsala, ma'am. Thank you. Thank you. Appreciate it. Please, everybody. Maria, Mona Shah, Shalini, Dia Patel, a humble request to please. It's a good memory. Pata nahi wapis hum log kab kaise milenge. Pandemic has given this opportunity to see each other online. Okay, so I think Khushbu, you can click the picture. Yes, ma'am. It's done. It's done. Thank you so much. And we'll be sharing more information in the WhatsApp group. Please feel free for sharing whatever is your thought in the WhatsApp group. Thank you so much for joining. Please share your feedbacks and please share your feedbacks again and what we do in future, because it's very important. क्या भविष्य में भी क्या चाहते हो, क्योंकि ये बहुत सादा विषय है.